Hey guys, hi, welcome back to my channel Care of Moutushi. Guys, first of all, मैंने मेरी चैनल की नेम चेंज किया है, तो सिर्फ नेम ही चेंज किया and after change the name, this is my first video. So welcome back to again my channel Care of Moutushi. So in this video मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ Loreal Paris की total repair 5 हेयर सीरम के ऊपर रिव्यू. सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. बट वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. एंड प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लोग जल्दी से 1000 क्रॉस करने वाले हैं. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग में. तो पैकेजिंग आप देख सकते हो इस टाइप की नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं और लोरियल पैरिस की टोटल रिपेयर 5 की जो सारे रेंज है यहाँ पर है आप देख सकते हो. दिस इज शैम्पू, दिस इज कंडीशनर, दिस इज हेयर मास्क एंड दिस इज सीरम. और मैं सोच रही हूँ कि इसकी जो ये वाला हेयर मास्क है इसे भी ट्राई करूँ बट आई एम कन्फ्यूज. अगर आप चाहते हो मैं वो मास्क ट्राई करूँ एंड उसके बाद रिव्यू शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना. और प्लीज़ शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करने के लिए मत बोलना, रिव्यू करने के लिए मत बोलना क्योंकि मैं अभी मेरी करंट फेवरेट जो शैम्पू है वाओ है एप्पल साइडर विनीगर शैम्पू उसे मैं चेंज नहीं करना चाहती बिकॉज दिस इज़ माई करंट फेवरेट शैम्पू. एंड मैं उसके ऊपर भी इन डेप्थ रिव्यू नेक्स्ट आते हैं इसकी दिस इज द फ्रंट साइड एंड यहाँ पे लिखा है लोरियल पैरिस टोटल रिपेयर 5 स्मूथनिंग एंड रिपेयरिंग सीरम 70% रिपेयरिंग एक्टिविटीज एंड इसमें यूवी प्रोटेक्टर भी है. एंड उसके बाद आते हैं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 15/3/2018 और इसकी जो एक्सपायरी डेट है 14/2/2021 यानी कि इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी है. बट इसकी जो क्वान्टिटी है 40 ml जो कि इतना दिन नहीं चलने वाला है. सिर्फ 40 ml की प्रोडक्ट और उतना दिन नहीं चलती है बेसिक सेंस. नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी सारे इंग्रेडिएंट्स. बट गाइस इंग्रेडिएंट्स तो काफ़ी सारे है बट एक नेगेटिव जो साइन है ये हेयर सीरम की फर्स्ट इंग्रेडिएंट में जो कि है इसमें अल्कोहल है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ इज़ द प्रोडक्ट एक्चुअली. सो गाइस दिस इज प्रोडक्ट और आप देख सकते हो इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी क्यूट है और इसकी जो स्मेल है गाइस बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह बट वो स्मेल हेयर पे नहीं रखता है. एंड तो आप दिखा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो इसकी कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी दिखा देती हूँ आप लोगों को. थोड़ी सी ठीक है मेरी जो फेवरेट वाला हेयर सीरम जो केशव की हेयर सीरम थोड़ी सी पतली है थिन है बट ये थोड़ी सी थिक है. एंड इसकी जो स्मेल है बिल्कुल भी हेयर पे नहीं रहता है. और ये जो प्रोडक्ट क्लेम करता है ये बालों को डी टैंगल्ड बनाते हैं, लेस फ्रीजी स्मूथ बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड स्प्लिट एंड्स को भी कम करती है. सो मैं सबसे पहले बता दूँ ये जो है सीरम है 5 days हो रही है ओनली मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. एक इसकी जो क्लेम्स है 50% ट्रू है एंड 50% फॉल्स है क्योंकि ये बालों को फ्रिज फ्री तो करती है बट डिटेंगल बिल्कुल भी नहीं बनाता है क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद आपको बाद में नहीं लगेगी आप कोई हेयर सीरम अपने हेयर पे अप्लाई किया था बिकॉज विद इन 30-45 मिनट्स के अंदर हेयर बहुत ही रफ लगने लगती है. अगर आप तभी ये हेयर सीरम को अप्लाई करने के बाद 30-40 मिनट्स बाद अगर आप बालों को कॉम करते हो तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी आप हेयर सीरम अप्लाई किया था उससे पहले. नेक्स्ट आते हैं ये बालों को स्ट्रांग बनाता है कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं लग रही है मेरे को ये बालों को स्ट्रांग बनाती है. बट एक चीज़ मैंने वॉच किया दैट इज़ ये हेयर को ब्लैक एंड शाइनी बनाती है. आप देख सकते हो आई डोंट नो कि मेरे हेयर अचानक इतना ब्लैक क्यों हो गया है. एंड आप देख सकते हो हेयर शाइनी भी हो गई है. आप देख सकते हो इसे अप्लाई करने के बाद देख सकते हो हेयर शाइनी भी हो गई है एंड आप देख सकते हो मेरी हेयर कितना ब्लैक, इतना ब्लैक नहीं था अचानक
मैं वॉच कर रही हूँ कि ये हेयर सीरम को अप्लाई करने के बाद यूज करने के बाद अचानक मेरी हेयर इतना ब्लैक क्यों हो गया है, क्योंकि मेरी मैं हेयर कलर करती हूँ एंड मेरी हेयर कलर वॉज लाइट ब्राउन, बट आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ मेरी हेयर इतना ब्लैक हो गई है, आप देख सकते हो इतना शाइनी भी हो गई है, बट हाँ ये बालों को बिल्कुल भी डिटैंगल नहीं बनाती है एंड स्प्लिट एंड्स बिकॉज मैं हेयर कट करवाया था तो मैं अभी ये बोल नहीं सकती हूँ ये स्प्लिट एंड्स को कम करती है कि नहीं, बट ये हेयर सीरम की जो मुझे जो अच्छी लगी इसकी वो है ये हेयर को आप देख सकते हो हेयर को शाइनी भी बनाती है एंड आई थिंक मेरी हेयर अचानक ब्लैक हो गई है इसकी वजह से, सो इसलिए मैं हेयर सीरम को कंटिन्यू करूँगी, बट ये बालों को बिल्कुल भी डिटैंगल नहीं बनाती है एंड बिल्कुल भी बालों को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लिटिल बिट हेयरफॉल की प्रॉब्लम होती है एंड तब ज़्यादा होती है जब पीरियड्स की टाइम ज़्यादा होती है, बट मैं वॉच नहीं किया कि ये हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाती है बिकॉज हेयर सीरम है, हेयर स्ट्रॉन्ग होती है रूट से, हम लोग हेयर सीरम कभी भी रूट पे नहीं अप्लाई करते, ठीक है, तो कैसे ये हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एनीवे ये हेयर सीरम जो है इसे अप्लाई करने के बाद मेरी हेयर बहुत आप देख सकते हो बल्कि हो गई है, सो आई लव इट एंड अदरवाइज ये हेयर सीरम 50% शाइनी हो गई है, ब्लैक हो गई है, थोड़ी सी बल्कि भी लगती है, बट हाँ ये हेयर सीरम बिल्कुल भी बालों को डिटैंगल नहीं बनाते हैं और एक बात हाँ ये हेयर स्किन ठीक भी करती है, आप देख सकते हो मैं कुछ भी नहीं अप्लाई किया, ये सिर्फ ये हेयर सीरम को अप्लाई किया था सुबह में एंड आप देख सकते हो मेरी जो हेयर है फ्रिज फ्री भी लग रही है, बट हाँ ये डिटैंगल बिल्कुल भी नहीं बनाता और एक बार मैं स्प्लिट एंड्स की बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ हेयर कट करवाया था, स्प्लिट एंड्स अभी नहीं है सो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती। सो अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में कुछ अच्छा हेयर सीरम ढूंढ रहे हो तो आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हो, बट इसे अप्लाई करने के बाद हेयर स्मूथ भी नहीं लगती है, ठीक है स्मूथ भी नहीं लगती है, बट हाँ बल्कि लगती है, सो इसलिए ये हेयर सीरम को ये हेयर सीरम मेरे को पसंद आया, अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ये भी हो सकता है कि ये हेयर सीरम आपकी बालों में अच्छा काम कर रहा है बिकॉज इसे अप्लाई करने के बाद देखो मेरे हेयर कितना ब्लैक हो गई है यार। एनीवे सो दैट्स इट ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एंड गाइज और एक बात, इसकी जो पैकेजिंग है आप देख सकते हो कहीं पे भी मेंशन नहीं है ये प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री है कि नहीं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये बात ये प्रोडक्ट की एंड उसके साथ साथ इसकी जो वर्क है ओके ओके टाइप का वर्क है, सो ये है सीरम के ऊपर 150 रुपीज़ इन्वेस्ट करना मुझे लगती है बेकार बिकॉज 150 रुपीज़ में मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे हेयर सीरम मिल जाती है विथ SPF, इसमें कोई SPF भी नहीं है, सिर्फ लिखा है UV फिल्टर एंड उसके साथ साथ इसकी जो वर्क है उसकी वजह से मैं इसे किसी को भी रेकमेंड भी नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हो यूज़ करना जस्ट बिकॉज ऑफ ये हेयर सीरम को अप्लाई करने के बाद हेयर बल्कि हो जाती है, शाइनी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, इसकी वजह से अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो देन यू कैन गो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने इसे परचेज़ किया, फेक तो नहीं सकती ना, 150 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किया सो इसलिए मैं इसे यूज़ करूँगी, बट ख़त्म होने के बाद बिल्कुल भी ये प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगी एंड ये प्रोडक्ट मेरे को कुछ खास नहीं लगी। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो एंड गाइज मैं रिव्यू में बहुत सारे बातें बार बार रिपीट कर रही थी इसलिए क्योंकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, सो आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा एंड आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, अगर हेल्पफुल रहे एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले एंड अगर वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को बड़ा सा लाइक करना एंड शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।